खेत से सारा अनाज भर के लाया हूँ। गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो सोच रहा हूँ आज ही ले जाकर उसे मंडी बेच दूँ। ठीक है, तो अभी जाओगे क्या? हाँ सावित्री, लोगों का काफ़ी उधार हो गया है और वो लाला जिससे घर का राशन पानी आता है तो उसका भी काफ़ी उधार हो गया है, तो सोच रहा हूँ कि इसको बेचकर सबका हिसाब चुकता कर दूँ। हाँ, मुन्ने की फीस भी भरनी है, उसे भी स्कूल में डेली डांट फटकार पड़ती है और घर का राशन भी खत्म हो गया है, तो सब लेकर आना है। जानता हूँ सावित्री, लेकिन आज सबको फ्री कर दूंगा, पहले मैं मंडी जाकर आता हूँ। और हाँ, अपने लिए नए कपड़े और जूते भी ले आना, पिछली बार भी नहीं लेकर आए, काफ़ी पुराने हो गए हैं आपके कपड़े और जूते। इन सबको फ्री करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उसमें मैं अपना ले आऊँगा, जो कुछ याद से ले आना। हाँ भाई, अनाज किसका है? किसान मेरा है सर। इधर आ, इधर उधर क्या कर रहा है? इधर आ जा। ठीक है सर। आज का भाव 1300 का है, ठीक है? 1300? लेकिन सब 1300 तो बहुत कम है सर। सब वो मेरा दोस्त अभी विष्णु 1600 के भाव में बेचे गए सर। ये परसों का भाव था भाई, आज का जो भाव है वो यही है। बोल, अब बता इसको बेचना है नहीं बेचना है? घर का राशन भी खत्म हो गया है। हाँ, मुन्ने की फीस भी भरनी है, उसे भी स्कूल में डेली डांट फटकार पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो अंदर जाके बैठ मुन्ने के पास, मैं अभी इसको तुलवा के आता हूँ, ठीक है ना? चलो जाओ। इस बार भाव बहुत कम है मुनीम जी। अरे भाई, इससे ज्यादा भाव क्या लेगा? ठीक है भाव। अरे मुनीम जी, ऐसा करो इसको 64,000 रुपए दे देना, ठीक है? 64,000 बस? भाई तुम्हारा माल ही इतने का है, तुमको तो दोबारा तुलवा दे। और हाँ, अपने लिए नए कपड़े और जूते भी ले आना, पिछली बार भी नहीं लेकर आए, काफी पुराने हो गए हैं आपके कपड़े और जूते। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, आप दे दो पैसे। ठीक है मुनीम जी, राव राव। अरे किशन, ये पैसे तो बहुत कम है, 80,000 रुपए का तो तेरे ऊपर कर्जा है, इसे तू लोगों का उधार कैसे चुका पाएगा? अब क्या कर सकते हैं भाई, ये सब तो भाव के ऊपर है ना। हाँ हाँ, सही है भाई। चल सावित्री। ओ सावित्री, ये घर का राशन आया, उठा रखो। यहाँ रखो। चलो ठीक। ये लो सावित्री, तुम्हारे घर का सारा राशन ले आया हूँ। मुन्ने की स्कूल जाकर फीस भी भर दी है, अब उसे स्कूल में कोई परेशानी नहीं होगी। और वो लाला, उसके भी मैं सारे पैसे दे आया हूँ और बाकी सबका हिसाब भी कर दिया है। और अपने कपड़े और जूते? हाँ हाँ, वो मैं दुकानदार के पास गया था और वो बोला कि कुछ दिनों बाद अच्छा और सस्ता सामान आने वाला है, तो तब ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ रोज और इंतजार कर लेते। अब ऐसा करो, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है। अच्छा तो किशन, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है भैया।
आपको तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता, ये क्यों नहीं बोलते कि इस बार भी भाव कम था? नहीं नहीं पागल, इस बार तो भाव बहुत अच्छा था। देखती नहीं घर का सारा सामान आ गया। मैं सब जानती हूँ ये सामान कैसे आया होगा, पुरानी उधारी चुका के नई उधारी शुरू। तुम भी ना सावित्री, अब मुझे खाना मिलेगा या यूं ही भूखा सला दोगी? ठीक है आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। सावित्री मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, घर का ध्यान रख। और किशन हर बार की तरह निकल पड़ा अपने खेतों की ओर, इस आस में कि अगली बार अच्छी मेहनत करके फसल उगाएगा और अच्छे भाव में बेचकर सारे कर्जे चुका देगा। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक किशन की नहीं बल्कि हजारों लाखों उन किसानों की है जो कि रात दिन खेतों में मेहनत करके अनाज उगाते हैं, लेकिन कभी मौसम की मार उनकी फसल चौपट कर देती है तो कभी कर्ज का बोझ उन्हें परेशान करता है, लेकिन फिर भी अन्नदाता हिम्मत नहीं हारता और करोड़ों लोगों का पेट भरता है।